हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन रियल ब्लॉग क्लीन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग, सुबह के बजे हैं 7 और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। फ्रेंड्स, तो बस कपड़े, अब मैं खाना ना बना के मैंने खाना बना लिया है। इसके बाद सारे बर्तन वगैरह जो रखे थे खाना वाना खा के सब लोग बैठ गए थे, तो फिर मैंने कहा बर्तन धुल लेती हूँ। तो खड़े होके सिंक में धुलते हैं बर्तन, छींटे पड़ जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं और किचन में गर्मी भी बहुत लगती है। तो मैं सारे बर्तन ले आई हूँ आंगन में, और आंगन में लाने के बाद मैंने कहा यहीं बैठ के आराम से धुल लेती हूँ, क्योंकि जाल से हवा आती रहती है और किचन के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए मैं किचन में नहीं बना धोती हूँ, खाना भी बनाना मुश्किल पड़ जाता है, इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही बर्तन सब खाना पीना सब लोगों ने खा लिया, इसके बाद इकट्ठा करके मैं इकट्ठा बर्तन आंगन में रख देती हूँ और वहीं पे धुल लेती हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग कोई डाला ही नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने कल और डाल देती हूँ। इसके बाद तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया अपने ब्लॉग डालना, किसी कारणवश नहीं डाल पा रही थी, कोई घर में प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी, मैं कुछ बना पा रही थी क्योंकि परेशान रहती थी। अब थोड़ी सी सही हुए हैं सब लोग, सब मतलब परेशानी थोड़ी कम हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देती हूँ और फिर से डालती हूँ ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। फ्रेंड्स, बस मैं भर लेती हूँ पानी, क्योंकि इसमें पानी ख़त्म हुई बाल्टी में, तो सारे बर्तन धुल लिए। धुलने के बाद मैं सब इकट्ठा करके जा रही हूँ अब किचन में, सब सेट करके रख दूँगी और बस इसके बाद मेरा काम हो गया, फिर जाऊँगी। क्योंकि कपड़े भी अभी पड़े हुए थे नहा के, मैंने जैसे नहाया और नहाने के बाद पूजा की, पूजा करने के बाद तुरंत मैं खाना बनाने के चली हूँ, क्योंकि भूख बहुत लगती सबको, तो कहने पहले खाना बनाओ इसके बाद कोई काम करना। तो फिर बस मैंने खाना वाना बना के और मैं थोड़ी देर हवा में आके बैठ गई थी, क्योंकि गर्मी लगी थी, गर्मी तो इतनी ज़्यादा, बारिश थोड़ा सा हो जाता तो बस सही है, इसके बाद तो गर्मी पड़ती ही पड़ती, जैसे ही धूप निकली तो एकदम से उमस बढ़ जाती है और उमस की वजह से बहुत गर्मी लगती है। तो मैंने सारे बर्तन किचन में सर करके रख दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ बाहर। ये देखिए गेट है, गेट से आ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन के यहाँ। मैंने सोचा चलो, तो बस वही रास्ते, ये देख सकते हैं आप लोग, यही रोड है, तो ख़राब हो गया बरसात की वजह से। ये है हम लोगों का मोहल्ला गली, जिस गली में हम लोग रहते हैं, दोनों साइड मकान बने हुए हैं और सामने बना है स्टेशन प्लेटफॉर्म। ये स्टेशन दिख रहा है आपको, बहुत वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, लेकिन स्टेशन नहीं जाना है और ये स्टेशन के पहले ही हम लोगों का मकान है। तो बस उस गली से हम लोग जा रहे हैं अपनी बहन के यहाँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और मैं कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग डालूँ, जितनी भी ज़्यादा कोशिश चाहिए तो मैं डेली ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी कि मैं डेली एक ब्लॉग ज़रूर डालूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तभी नहीं डाल पाती हूँ, नहीं वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि डालूँ, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम रही है तो नहीं डाला है। लेकिन प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए, थोड़ा ना कुछ चला जाएगा, क्योंकि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे और बीच में मैंने ब्लॉग डालना बंद कर लिया, तो मेरे साथ साथ सारे सब्सक्राइबर कट गए। और फ्रेंड्स ये रखिए, तो फिर मैं आ गई हूँ बाथरूम में,
बहन के घर गई थी, फिर वहाँ से आ गई थी शाम को, और आने के बाद फिर मेरे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा लाओ इनको धुल लेती हूँ। सारी बोतल रखी थी तो मैंने कहा बोतल भी भर लूँ, क्योंकि बोतल पानी ख़त्म हो गया था और गंदी हो जाती दिन, मतलब जैसे एक बार भर ली सुबह तो पी ली, फिर शाम को इसके बाद धुल के बोतल फिर भर लगा देती हूँ। तो बस वही सारी बोतलें मैं भर रही थी, मैंने कहा लाओ इनको भी धुल देती हूँ, धुलने के बाद सब भर लूँगी पानी और कपड़े भी धुल के फैला दूँगी तो सारा काम हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं धुल लेती हूँ कपड़े, मेरे कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने कहा लाओ यहाँ बाथरूम में बैठ के कपड़े धुल लेती हूँ फ्रेंड्स मैं, और कल गलती हो गई थी फ्रेंड, लाइट चली गई अचानक बाथरूम में, कपड़े धुल रही थी वैसे ही लाइट चली गई क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर की सुविधा नहीं है। और कपड़े धुलने के बाद बस मैं यहाँ पे आके ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझको, तो मैंने सूट चेंज कर लिए थे, गीला भी हो गया था, तो मैंने पहन ली मैक्सी और मैक्स पहन के बैठ के हवा ले रही थी पंखा चला के, यहीं बैठी हुई थी, इन्वर्टर चल रहा था क्योंकि अंदर बाथरूम में लाइट का इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है। तो बस मैं अब आ गई हूँ किचन में क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया, सब लोग खा चुके थे, मैं बाद में ही खाती हूँ सब लोगों के बाद, इतनी गर्मी रहती है बनाओ फिर सब काम करने के बाद, तो फिर बस मैंने कहा कि लाओ खा लेती हूँ खाना और डाल